बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आई एम योर ओन टीचर सर वसीम जुल्फिकार। स्टूडेंट्स, आज का मौजू बहुत दिलचस्प है, बहुत अच्छी हकीकी कहानी है सैफुल मुल्क झील के बारे में। आप लोग जानते ही होंगे सैफुल मुल्क झील हमारे पाकिस्तान के शुमाली इलाके नहरान काग़ान के करीब है। ये झील बहुत खूबसूरत है, इसके आसपास खूबसूरत पहाड़ और वादी है। इस झील के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत गहरी है। ये आज से 3 लाख साल तकरीबन पहले वजूद में आई थी, जब बर्फ़ानी तोड़ा यहाँ पर गिरा था। बर्फ़ानी तोड़ा टूटने से ये झील मार्ज वजूद में आई थी। ये झील बहुत खूबसूरत है, इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है कि कोई भी शख्स इसकी गहराई को नाप नहीं सका। जो इसकी गहराई को नापने के लिए नीचे तह में गया वो वापस नहीं आया। इस झील के पानी की मकदार बराबर रहती है और ये झील अपने मनाजिर में बेमिसाल है। स्टूडेंट्स, सैफुल मुल्क बादशाह उस कहानी का तमाम ताल्लुक इस झील से है। सैफ एक बादशाह का बेटा था जो कि मिस्र के बादशाह का बेटा था। ये शहज़ादा एक दिन ख्वाब में क्या देखता है कि एक खूबसूरत परी उससे बातें करती है और उसकी ख्वाब में आती है। 7 दिन वो मुसलसल ये ख्वाब देखता है और वो एक नजूमी के पास जाता है और उससे ये सारा माजरा बयान करता है। नजूमी उसको बताता है कि उसके ख्वाब में वो जो परी को देख रहा है उसका नाम बदीउल जमाल है और ये परी कोकाफ में रहने वाली परी है जो हर 12 साल के बाद सैफुल मुल्क झील पर उतरती है। ये बातें सुन के शहज़ादे के दिल में परी के लिए एक चाहत पैदा हुई और वो उस परी से मिलने का ख्वाहिशमंद हुआ। उसने उस नजूमी से पूछा कि वो कैसे उस परी से मिल सकता है। नजूमी ने उसको बताया कि एक तरीका है उस परी से मिलने का कि 12 साल सैफुल मुल्क झील के करीब जाकर शहज़ादा एक चिल्ला पूरा करे और वो सुलेमानी टोपी पहने तो वो जिन्नात और परियों को देख सकेगा। चुनाचे शहज़ादा ऐसे ही करता है और अपने घोड़े की सवारी पर वो सैफुल मुल्क झील की तरफ निकल पड़ता है। चंद महीने पूरे होने के बाद वो उस झील पर पहुंचता है और नजूमी के मुताबिक वो उस झील के किनारे पे किसी गार में पना लेता है और अपना चिल्ला मुकम्मल करता है और 12 साल वो परी की याद में गुजार देता है और चिल्ला मुकम्मल करता है। उसके बाद वो सुलेमानी टोपी पहनता है और जब एक दिन रात के वक्त परियां नीचे आती हैं तो वो शहज़ादा परियों की फड़फड़ाहट की आवाज़ सुन के बाहर आता है तो वो देखता क्या है कि बदीउल जमाल परी और कुछ परियां वहाँ पे झील के किनारे जमा हैं और अपना सामान रख के वो झील के पानी में उतरती हैं। शहज़ादा इतने में बदीउल जमाल परी का सामान उठा लेता है। सब परियां शहज़ादे को देखकर चली जाती हैं लेकिन बदीउल जमाल परी शहज़ादे से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका सामान वापस लौटा दे, लेकिन शहज़ादा उससे ये शर्त रखता है कि वो सामान एक शर्त पर लौटाएगा कि अगर वो परी के साथ शादी कर ले। लेकिन परी इस बात से इनकार कर देती है। तब शहज़ादा उसको ये बात बताता है कि 12 साल तक उसने उसका इंतज़ार किया है। परी ये बात सुनकर बहुत मुतासिर होती है और शहज़ादे की बात मान लेती है। तो दोस्तों, झील सैफुल मुल्क के पास जो मलिका पर्वत है जिसकी तकरीबन हाइट 70,390 फुट है, वहाँ पे उस वक्त एक दियो, सफ़ेद दियो रहता था जो कि परी को बहुत पसंद करता था। जैसे उसने देखा कि शहज़ादा परी को लेकर जा रहा है तो उसको बहुत गु़स्सा आया और उसने ये ठान ली कि वो इन दोनों को ख़त्म कर देगा। उसने सैफुल मुल्क झील का बंध तोड़ दिया और सैलाब से पानी पूरे शहर में फैलने लगा। इतने में शहज़ादे और परी ने नारान के शहर की तरफ एक गार में पना ली। और दोस्तों, कहते हैं कि सैफुल मुल्क झील के करीब जो मलिका पर्वत है पहाड़, उस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका और वहाँ पे रहने वाले लोग इसको सैफुल मुल्क शहज़ादे की बद्दुआ बताते हैं। और ये भी कहा जाता है कि उस
पर्वत पर, उस पहाड़ पर जिन्नात का बसेरा है। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, शहजादा और परी, कुछ लोगों का कहना है कि वो मिस्र के मुल्क में वापस चले गए और कुछ लोगों का कहना है कि वो सैलाब में डूब के अल्लाह को प्यारे हो गए। तो हकीकत क्या है ये अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जान सकती है, क्योंकि ये शहज़ादा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से 860 साल पहले का है। तो इसलिए कुछ डिटेल मज़ीद बताना पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।